हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बॉलीवुड क्रेज। और आज के एपिसोड में हम लोग डिस्कस करेंगे शाहरुख खान, विजय सेतुपति, नयनतारा और एटली कुमार की मूवी जवान का डे वन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन प्रेडिक्शन, एडवांस बुकिंग रिपोर्ट, शो काउंट्स, ऑडियंस ऑक्युपेंसी और साथ ही साथ में हम नजर डालेंगे डे वन तक वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर भी। फ्रेंड, जो एडवांस बुकिंग जवान को मिली है, उसके बाद जो रिव्यूज जवान को मिले हैं, तो डिटली इस वीकेंड में आप देखेंगे कि बॉलीवुड के सारे रिकॉर्ड्स टूटेंगे और शाहरुख खान हर एक नए दिन एक न्यू रिकॉर्ड बनाते जाएंगे। एंड सबसे पहले एडवांस बुकिंग की बात की जाए तो जवान मूवी का डे वन का फाइनल एडवांस बुकिंग 36.70 करोड़ था, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है, क्योंकि प्रीवियस रिकॉर्ड पठान मूवी का था जो कि सिर्फ 32 करोड़ था। एंड बात की जाए ऑडियंस ऑक्युपेंसी की, तो आज मॉर्निंग ऑक्युपेंसी 46.11% रही है, जबकि आफ्टरनून की 69%, इवनिंग की आज ऑक्युपेंसी एटलीस्ट 90% या उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट की जा रही है। नाइट शोज का डिपेंड करता है कि पब्लिक किस मूड में है, क्योंकि कल हम सबको पता है वर्किंग डे है, तो आज नाइट के जो ऑक्युपेंसी है वो ज़रा अनप्रिडिक्टेबल है। फ्रेंड, बात की जाए शो काउंट्स की, तो दिल्ली NCR में इसके पास 1534 शोज़ हैं आज, मुंबई 3047, पुणे 491, बेंगलुरु 800, हैदराबाद 573, कोलकाता 500, अहमदाबाद 704, जबकि चेन्नई में इसके पास 151 शोज़ हैं। तो फ्रेंड्स, ब्रेस योरसेल्फ, जवान मूवी का डे वन हिंदी लैंग्वेज का जो अर्ली प्रडिक्शन आ रहा है वो 68 करोड़ के आसपास आ रहा है। अगर नाइट के शोज अच्छे गए तो ये प्रडिक्शन 70 करोड़ भी क्रॉस कर सकता है। इसी तरह साउथ से हम बात करें तो 6 करोड़ प्रडिक्ट किया जा रहा है तमिल लैंग्वेज से, जबकि 6 करोड़ प्रडिक्ट किया जा रहा है तेलुगु लैंग्वेज से। तो टोटल जवान का डे वन इंडिया नेट कलेक्शन इस वक्त 80 करोड़ प्रिडिक्ट किया जा रहा है। मैं आपको अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि अगर नाइट की ऑक्युपेंसी बढ़िया बैठी तो टोटल 80 करोड़ है ऑल लैंग्वेजेस का, ये कहीं ना कहीं 85 से 86 करोड़ भी हो सकता है। और फिर आप इमेजिन करें कि इतने पॉजिटिव रिव्यूज़ हैं तो इस वीकेंड पर क्या होने वाला है। वीकेंड पर आई थिंक एटलीस्ट 90 या 100 करोड़ अर्न करने की एक डे में कैपेसिटी में आ जाएगा जवान मूवी। तो फ्रेंड, जवान मूवी का डे वन का इंडिया नेट कलेक्शन अभी से 75 से 80 करोड़ प्रिडिक्ट किया जा रहा है, जबकि फर्स्ट वीकेंड का कलेक्शन कहीं ना कहीं 330 से 350 करोड़ के बीच में प्रिडिक्ट किया जा रहा है, जो कि बड़ी मूवीज़ का लाइफ टाइम भी नहीं होता। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि मूवी का फाइनल लाइफ टाइम कहाँ तक जाएगा। आई थिंक 600 या 700 करोड़ क्लब इनोग्रेट करने जा रहे हैं शाहरुख खान अपनी इस जवान मूवी के साथ। होप आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।